कुछ बच गया है। ओके ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो आपका कॉन्सेप्ट था, सिंपल था कि आपको चार रेसिस्टर्स होते थे, ठीक है, और उनका जो बीच वाला जो टर्मिनल होता था, यानी गैल्वेनोमीटर वाला जो आर्म होता था, उसमें करंट फ्लो नहीं होता था, तो बाकी रेसिस्टर्स मतलब का रेशियो जो होता था वो लेफ्ट और राइट में सेम होता था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है अटेम्प्ट करके देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस एक्स इन द सर्किट एज शोन इन फिगर बिलो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेसिस्टर। इसका मतलब है कि इस 5 ओम रेसिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स दिस इज गैल्वेनोमीटर आर्म। ओके, सो देर इज नो एनी करंट थ्रू दिस नेटवर्क, सो वी कैन से दैट दिस इज जस्ट लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। चार रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो था आपका 5 ओम रेसिस्टर था, यानी कि गैल्वेनोमीटर आर्म, इसमें हमारा जीरो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन कर रहा है आपको कि ये एक्स है, ये 18, ये 6, ये 2। एक्स 18, 6, 2, ठीक है। बस अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन नो करंट फ्लो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो आप लोग बाकी उसमें बैटरी जो टर्मिनल लगा हुआ है उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं, जरूरत नहीं है अभी इसमें। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, R2, ये हमारा R1, ठीक है, ये R3 और ये R4। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, R2 upon R1 इज इक्वल्स टू, है ना, R4 upon R3, यही था। तो R2 कितना है X, R1 कितना है 2, ओके, इज इक्वल्स टू R4 कितना है 18 और R3 कितना है 6। तो ये 6 3 जा 18 हो गया, और 2 × 3 X की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम। ओके, समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखिए, कई बच्चे इसको इतना ज्यादा अगर हल्के में लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको सीधा ये देखना है कि इनका रेशियो सेम है, ठीक है। तो रेशियो सेम है तो ये 6 3 जा 18, तो 2 3 जा 6 सिक्स हो गया। कितना, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये आंसर आ जा रहा है या नहीं? अरे हाँ, बोलो कुछ तो। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है, इसको हटा दीजिए, बात खत्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बस हम लोग रेशियो इक्वेट कर लिए, ठीक है, समझ आ रही बात। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एंड एस आर 4 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 2 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेसिस्टेंस एक्स विच मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर टू दैट द ब्रिज मे बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो रेसिस्टेंस एक्स विच मस्ट बी शंटेड दैट ब्रिज में बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर शायद कुछ क्वेश्चन में कमी रह गई है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं। कुछ शंटेड इसमें लिखना होगा कि शायद किसी और के साथ में, शायद 2 ओम या 3 ओम के साथ होगा। एक मिनट, मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ क्वेश्चन को। वेट स्टोन ब्रिज वाला टॉपिक, देखो
रेसिस्टेंस एक्स मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज में बी बैलेंस्ड। ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चन में जो है क्लियरली नहीं मेंशन है, तो क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग खुद ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 3 ओम है ना, तो चार रेसिस्टर्स हैं। तो पहले हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लें। तो इसमें ऑर्डर में चलते हैं 2 ओम 2 ओम, फिर 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 3 ओम। ठीक, तो ये चार रेसिस्टर्स हो गए। इसमें अब आप चाहे तो एक बैटरी यहाँ से ऐसे फिक्स कर दीजिए। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि 4 रेसिस्टर्स हैं, फाइंड आउट द रेसिस्टेंस विथ विच एस मस्ट एक्स रेसिस्टेंस एक्स विच मस्ट बी सेंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज में बी बैलेंस्ड। तो अभी देखिए क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है, क्या ये नो सर, बैलेंस्ड ब्रिज है, नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपको रेशियो 2:3 हो रहा है। ओके, और इधर का जो रेशियो है वो 2:2 है, यानी कि ये 1 है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को इसमें क्या पूछा है कि शंटेड, शंटेड का मतलब होता है कि उसमें किसी एक रेसिस्टर के साथ हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि इधर वाला जो है हमारा टर्मिनल को, किसी एक टर्मिनल को फिक्स कर दीजिए, तो ज्यादा आसान है कि इधर वाले को फिक्स कर देते हैं। अब इधर वाले को भी हम लोग जो है मतलब सेम लाना है। यहाँ पर तो 2 है, अगर हम यहाँ पर इसको भी 2 ला देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। यस और नो बोलिए। यस सर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, शंट का मतलब पैरेलल रेसिस्टर कनेक्ट करना है। सो दिस इज 3 ओम, ओके, एंड दिस इज एक्स ओम। ठीक है, इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए? बोलिए। 2 ओम होना चाहिए। ओके, तो यू हैव गिवन आर इक्विवेलेंट should be equals to 2 ohm and there are 2 resistors which are in parallel. What are they? X and 3. So parallel mein equivalent resistance ka formula kya hota hai? R1 into R2 upon R1 plus R2. Okay? Samajh aa rahi baat? Ki nahi samjhe? Haan? Yes sir. Yes sir. Theek hai. To aise bhi orally aapko pata hona chahiye ki 3 aur यहाँ पर 6 रख देंगे तो 6 और 3 का जो है ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 आता है। सब याद रखना होता है। ठीक है, 6 × 3 / 6 + 3 करके देखिए, 18 / 9 2 आ गया। ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करके भी यहाँ से देख सकते हैं, 3x = 2x + 3 2x + 6। ठीक है, तो यहाँ से 3x - 2x कितना हो गया, x = 6। गॉट इट, समझ आया सबको? तो सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ब्रिज अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस बनाने के लिए शंटिंग करना पड़ेगा। तो अब आपको खुद सोचना है, शंटिंग करने के लिए अगर आप इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको खुद परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली इंडिकेट नहीं, वैसे जनरली क्वेश्चन में पूछा हुआ रहता है कि किस रेसिस्टर को शंट करना है, किस में शंटिंग करना, तो नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अपने से सोच लेंगे कि किससे आसान पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने हिंट दे दिया था क्योंकि ये आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शंटिंग का यूज हुआ होगा, अब आपके साथ ऐसा होते रहेगा, शंट रेसिस्टेंस शंटिंग शंटिंग ये सब आता रहेगा बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रेसिस्टर्स 15 ओम 12 ओम 4 10 आर रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म अ व्हीट स्टोन ब्रिज। Is the
बैलेंस्ड नेटवर्क एंड नॉट कैलकुलेट द कनेक्टेड पैरेलल 10 ओम रेजिस्टर, है ना। जैसे इसमें पूछ दिया आपसे 15, 12, 4, 10, ओके। तो फिर से हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। दिस इज ठीक। तो ये है आपका 15 ओम, ये है 12 ओम, ये है 4 ओम और ये है 10 ओम, ओके। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में कनेक्टेड है, ठीक। अब आपसे क्या बोल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉर्म करना है। क्या ये नेटवर्क बैलेंस्ड है? नो सर, बैलेंस्ड होने के लिए दोनों साइड का रेसिस्टर्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 3 जा, इसमें 3 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा, और 10 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 30 30 होना चाहिए, यहाँ 30 नहीं है। सो ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, ओके। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर, ठीक यस। है। आज दोनों ही प्राची गायब हैं। गुड, ठीक है इतना। क्या बोल रहे थे, 15। तो अब क्या करना है, इसको ब्रिज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्या करना है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि वही शंटिंग की बात कर रहा है, विद द रेसिस्टेंस 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। यानी इस 10 ओम के साथ में हम लोग को पैरेलल में कुछ कनेक्ट करना है ताकि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है, मतलब वो जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो इस 10 ओम के साथ यानी कि हम क्या करें, इसको यानी कि ऐसे कर दिया, इस 10 ओम के साथ, ठीक है, इसके साथ पैरेलल में कितना लगाएं कि हमारा जो है नेटवर्क बैलेंस्ड हो जाए, ठीक। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर 4 है। ओरली आपको ऐसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर कितना है, 12 है, यानी 3 टाइम्स है, ठीक। तो इसका मतलब है ये 15 है, तो उसका किसका 15 जो है 3 टाइम्स होता है, बताइए किसका 3 टाइम्स हो, 5।3, 5, 5, यहाँ पर अगर ये 5 हो जाता, अगर ये 5 हो जाता तो ये नेटवर्क बैलेंस्ड हो जाता। इधर देखिए 12/4 इज इक्वल टू 15/3, 15/5। अगर यहाँ पर 5 हो जाए तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो यस सर, इसका मतलब ये 10 पहले से है, इसको 5 लाना है, तो यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कितना रखें, पैरेलल में कितना रखें कि 5 हो जाए। पैरेलल का फॉर्मूला बताया था ना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर हाँ अपॉन एन, आर अपॉन एन वाला याद है ना। तो 10 अपॉन एन, दो रेसिस्टर है तो 2, तो आर इक्विवेलेंट 5 नहीं आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे बोलो, यस सर, तो यहां भी अगर हम लोग 10 रख दें, 10 10 का पैरेलल में 5 आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोल दो। यस सर, बस तो सिंपल था, ओरली है, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना। बाकी अगर आप सपोज इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, कि मेथड के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 अपॉन, है ना, क्या है 4, और इज इक्वल टू 15 अपॉन में यहाँ पर क्या कर दीजिए, सपोज कुछ भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर एक्स बना देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये कितना हो गया 3, तो 3x इज इक्वल टू 15, तो एक्स इज इक्वल टू 5, ओके। तो यानी कि अब इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5 आना है, ओके। तो 1/x इज इक्वल टू, है ना, 1/10, सॉरी, हाँ 1/x इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, यही होता है ना। तो फॉर्मूला जब दो रेसिस्टर्स पैरेलल में हो, ठीक है, तो एक्स आपका कितना है 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1/R1 कितना है 10, + 1/R2 आपको निकालना है, ठीक है। तो
इसको सॉल्व करेंगे तो आर टू की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 1/10 + 1/10 करेंगे तो 2/10 यानी 1/5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हुआ किसी से फोर्थ क्वेश्चन? नो सर, नो सर। क्या इतना सिंपल तो क्वेश्चन था, ये सब भी नहीं हो पा रहा आप लोगों से। ठीक है, ये देखिए एक्स और वाई है, हो गया। ठीक है, उसमें 10 10 10 10 सब जगह लगा हुआ है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, ठीक है, इस जगह पर यानी कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसके अक्रॉस बैटरी लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से इधर जो है ये 10 ओम है, ठीक है, फिर ये भी यानी यहाँ से जो निकलेगा, मतलब इसको इसका नाम दे दीजिए, चलिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा ये, ए और बी। ओके, तो एक्स और वाई है ना, उसके बीच में ए और बी है। ठीक, तो ये देखिए इसको हम इसमें बनाते हैं, ये हो गया आपका एक्स और ये है वाई। ओके, ये है ए और ये है बी। ओके, तो ए और एक्स के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसको मैं हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, ए देखिएगा, ए और एक्स के बीच में एक है, एक्स और बी के बीच में एक है, ए और वाई के बीच में एक है, और बी और वाई के बीच में एक है। ठीक है, यानी सबके बीच में एक एक है और ए और बी के बीच में दो है, तो बस ए और बी के बीच में दो रखना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में दो रख दिए, एक दो, बाकी सब एक्स और बी के बीच में एक, फिर ए और वाई के बीच में भी एक, ठीक है, और बी और वाई के बीच में भी एक। ठीक है, तो अभी इस तरह से ये नेटवर्क बन गया। ओके ठीक है ना, तो अब आप बताइए ये इन सब का रेसिस्टेंस कितना है, 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10, और ये भी कितना है, 10 है या नहीं? ठीक है, तो अब ये बताइए क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, कैसे, ये अगर आपका मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, मतलब आप ऐसे कुछ भी अपना एज्यूम कर लीजिए, तो 10 बाई 10 और इधर 10 बाई 10, इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है या नहीं, बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, और यहाँ पर करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, जीरो, यानी यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एग्रीड, समझ आ रहा है सबको, बोलिए। तो अब सिर्फ क्या बचा नेटवर्क में, ये 10 और ये 10, ठीक है, और नीचे भी 10 और 10। ठीक है, तो देखिए यही हमारा जो नेटवर्क बन गया, ऊपर में हो गया 10 और 10 सीरीज में हो गया, और नीचे भी ये 10 और ये भी 10, ठीक है, सीरीज में हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 10 और ये 10, ए और बी के बीच में ये 10 और 10 सीरीज में है, बोलिए। यस सर। और फिर नीचे भी ये 10 और ये 10 दोनों सीरीज में है, और ए और बी के बीच में है दोनों, समझ आ रहा कि नहीं? तो ए ये बी, ओके, ए और बी के बीच में ये 10, ये 10 सीरीज में, ये 10, ये 10 सीरीज में। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है। ओके, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क आपका कैसे बनेगा बताइए, इसका ये 10 ओम, ठीक है, तो 10 और 10 दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 10 और 10 सीरीज में कितना बन जाएगा, 20 20 और नीचे भी 20 है ना, तो यहाँ पर हो गया आपको 20 ओम, और यहाँ भी हो गया 20 ओम। ओके ठीक है, तो बस 20 और 20 दो पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, 10, 20/2 दैट इज इक्वल्स टू 10।
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। आ रही बात समझ में सबको? यस तो सिंपल था कि कोई दिक्कत है इसमें, मुश्किल लगा कुछ? नो सर नो सर ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 देखिए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि बार बार आपको शो करना पड़ेगा इसमें। ऐसे नेटवर्क को देखिए, जब भी आपको ऐसा दिखे कहीं पे 5 रेसिस्टर हो, 5 4 से ज्यादा रेसिस्टर हो, तो आप समझ जाइए कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज का ही कॉन्सेप्ट उसमें लगना है। ठीक है, तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछते ही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जो है ना नामांकन कर देते हैं थोड़ा सा। इस जगह पर कुछ नहीं है तो इसके बीच में कोई भी रेसिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये ए है, तो ये भी ए होगा। ओके, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टर है, तो इसलिए ये ए नहीं होगा, कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं नाम एक्स दे देते हैं। ओके, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेसिस्टर है या नहीं है, इस और इसके बीच में है या नहीं है, एक रेसिस्टर है, ठीक इसलिए इसका नाम एक्स नहीं होगा, तो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, वाई रख देते हैं। ठीक है, इस रेसिस्टर और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी कोई रेसिस्टर है, इसका मतलब ये वाई है, तो ये भी वाई नहीं होगा। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेसिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये बी है, तो ये भी बी होगा। ओके, तो यस सारे सारे पॉइंट्स का नामांकन हो गया। चलिए अब हम लोग ए एक्स वाई बी 4 पॉइंट हैं। ओके, तो हम लोग 4 पॉइंट पहले यहाँ पर बना देते हैं, हमेशा इसी तरह से करना है। ठीक है, ये देखिए 4 पॉइंट हमने बना दिया, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, तो नाम भी रख देते हैं, क्या रख देते हैं, ए और ये बी और ये एक्स और ये वाई। ओके, अब देखिए ए और एक्स के बीच में कितना रेसिस्टर है, ए और एक्स के बीच में आर आर। ठीक है, चलिए ए और एक्स के बीच में हमने रख दिया यहाँ पर आर। ओके, फिर बी और एक्स के बीच में बताइए, बी और एक्स के बीच में कितना रेसिस्टर है। टू आर हे भगवान, 2R तो कभी बोलना ही नहीं है, बी और एक्स के बीच में वाई भी तो है। अब ध्यान से देखिए बी और एक्स के बीच में, ये देखिए ना, ये एक्स है और ये बी है, ये तो ये वाला तो हम लोग बोल ही नहीं सकते क्योंकि बीच में वाई है। बी और एक्स के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए पॉइंट, ऐसा है कुछ? आर ये देखिए बी और एक्स के बीच में ये रेसिस्टर भी तो लगा हुआ है या नहीं? अरे बोलो, यस तो यहाँ पर बी और एक्स के बीच में हमने लगा दिया कितना, आर। ओके, ठीक है, उसके बाद बी और वाई के बीच में देखिए, बी और वाई के बीच में है कितना, आर आर। ठीक है, तो बी और वाई के बीच में अगेन आर। ओके, थोड़ा ये वाई जो है गलत जगह आ गया है, इसको सही करते हैं। बी और एक्स के वाई के बीच में आर। ठीक है, उसके बाद फिर अब फिर क्या बचा, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसका नाम क्या था, एक्स था और इसका नाम वाई था। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या बच रहा है, ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में देखिए ये आर है, यस सर ए और वाई के बीच में आर हो गया। ओके, ठीक है, अब बचा है कौन सा, ये देखिए ये वाला रेसिस्टर किसके किसके बीच है, किसके किसके बीच है, एक्स और एक्स वाई के बीच। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में एक और रेसिस्टर ऐड कर दिया हमने, दिस इज अगेन आर, सारे आर 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 है। तो देखिए ये क्या, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस यस सर बन रहा है। यस ये देखिए ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। बोलिए, तो सर यस सर इसका मतलब इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो
नहीं हो कोई रहा। भी करंट नहीं होगा, तो यानी कि ये वाला हो गया हमारा करंट जीरो। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा दिए, तो अब क्या हो गया, ये आर और ये आर दोनों किस में हो गया, सीरीज में हो गया, बोलिए, यस सर, यस सर। और ये नीचे वाला भी दोनों आर आर सीरीज में हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे बनाएंगे, दिस इज आर, दिस इज आर, ओके, अगेन दिस इज आर एंड दिस इज आर, ओके, इस तरह से बन गया। और यहाँ यस पर सर, आपका ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है, ओके। अब इस आर और आर का क्या हो जाएगा नेटवर्क, आर आर का क्या बनेगा, टू आर, सीरीज में है तो दिस इज टू आर, ओके। और ये जो डिनोमिनेटर वाला है आर और आर, तो इसका भी क्या बनेगा, टू आर बनेगा, ओके। समझ आ रहा है सबको, बोलिए। यस सर। अब ये ए और बी के बीच में टू आर और टू आर दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में अगर हम लोग टू आर का दो रेसिस्टर है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, आर एन बाय अपॉन आर। एन एक्स एन बाय आर। मतलब अभी भी गलती चलती बोले जा रहे, कुछ भी एन बाय आर कुछ भी बोलता है। तो आर हमारा रेसिस्टेंस कितना है, टू आर, और कितने रेसिस्टर हैं, टू, तो टू और टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, ठीक है। बाकी जिसको ऐसे सॉल्व करना है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन, यानी कि वन अपॉन टू आर प्लस वन अपॉन टू आर, ठीक है, इससे भी सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आर इक्विवेलेंट आर के बराबर आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, तो इसका आंसर आपको आर दे रखा है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड द करंट थ्रू इट, इफ द करंट थ्रू द बैलेंस्ड एओ ब्रांच एओ इज जीरो, यानी एओ के बीच में जीरो है, यानी कि इसको आप भूल जाइए, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज बन रहा होगा, तो बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज का मतलब ये हो गया कि आप इसको अगर बनाए तो ए बी क्या क्या है पॉइंट्स, ए बी ओ सी, ओके, ए बी ओ सी, समझ है, ये ए ओ बी सी, ऐसा ही है ना, ए बी, अच्छा ये ए बी हो गया, ये ओ है, ये सी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में देखिए कितना है, वन, और ओ और बी के बीच में फोर, ये हो गया वन, ये बी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये बी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी के बीच में वन और ओ बी के बीच में कितना है, फोर, ये हो गया फोर, ओके। हमेशा पहले सिंप्लीफाइड सर्किट बना लीजिए, अगर आपको वहां से फिगर में नहीं समझ में आता तो आप अपना फिगर बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर ए सी के बीच में 1.5 और ओ सी के बीच में आर, ए सी के बीच में 1.5 और ओ सी के बीच में आर। अब इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा ए और बी, ए और ओ के बीच में, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज होगा। सो इसका यस मतलब हम सर, लोग ये बोल सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू 1.5/ में ये आर, ठीक है। तो अब कोई बच्चा ओरली भी सोच सकता था ये फोर टाइम्स है, तो इसका फोर टाइम्स 1.4 का, 1.5 का फोर टाइम्स कितना होता है, सिक्स, आप ऐसे सिक्स। सीधा कर सकते थे। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 4 × 1.5, तो 1.5 × 4 कितना हो गया, 6 ओम, तो इसका सिक्स। रेसिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम। समझ आ रहा है सबको, एनी प्रॉब्लम, यस यस ठीक है। सर, तो बस अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को यहाँ से क्या सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द क्या बोलते हैं, करंट थ्रू इट, यानी कि इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए अब तो आप लोग इसको कर भी सकते हैं डायरेक्टली, नहीं कर पाएंगे, एक मिनट, अच्छा इसके साथ एक और सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ पर 2 ओम भी लगा हुआ है,
तो यहाँ से ऐसे इसको चले जाइए, ये बैटरी है यहाँ पे 10 वोल्ट की, ठीक है, और यहाँ पर 2 ओम लगा हुआ है, ठीक। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, अब तो कुछ नहीं है, पूरे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऊपर दिखे, ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों मिलके 2.5, बोलिए। यस और नीचे ये कितना है, 6 है और ये 4 है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, ओके 10 ओम, ठीक। और इसका आप इक्विवेलेंट नेटवर्क बना दीजिए, इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क हमारा बन जाएगा, और ये हमारा 10 वोल्ट और 2 ओम, ओके हो गया, ये 10 वोल्ट। अच्छा, ये दोनों पैरेलल में है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2.5 × 10 डिवाइडेड बाई 2.5 + 10, है ना। तो ये हो गया 2.5 × 10 हो गया 25, और डिवाइडेड बाय 10 + 2.5 तो 12.5, तो 12.5 और 25 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम, यानी इस पूरे नेटवर्क का रेसिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम, ठीक है। ये हो गया आपको 2 ओम, और फिर ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम, ओके क्लियर है, सबको समझ आ रहा है यस कि नहीं आ रहा है। सर, ये सब तो पुराना क्वेश्चन हो गया ना, ये सब क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया, अब इसको तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 2 और 2 और ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो पूरा बैटरी से जो करंट निकल रहा है आपको, ठीक है, दैट आई इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, आई इक्वल टू कितना हो गया, V/R, V हमारा 10 और R कितना, 4। तो करंट, टोटल जो करंट निकलेगा बैटरी से कितना होगा, 2.5 वोल्ट, सॉरी 2.5 एम्पियर, ओके। अब 2.5 एम्पियर में से 2 ओम यहाँ पर है, तो यानी कि V=IR, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो देख लेते हैं हम लोग। तो V=I 2.5 × R कितना हो गया, 2, तो 2.5 × 2 5 वोल्ट, 5 वोल्ट तो ये खुद ले लेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी यहाँ पर कितना ड्रॉप हो गया वोल्टेज, 5 वोल्ट। तो अब जो बचेगा 5 वोल्ट वो इस दोनों में जाएगा जो पैरेलल कनेक्शन है, समझ आ रही बात, बोलिए। हाँ, यस तो अब ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि अब 5 वोल्ट यहाँ पैरेलल में है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये भी 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट, दोनों में 5 5 वोल्ट जो है आपको रहेगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द करंट थ्रू आर, आर यानी कि ये 6 ओम, 6 ओम वाले में, है ना, 6 ओम वाले में जो 4 ओम में जाएगा वही 6 ओम में जाएगा, तो बस, तो 6 ओम में हमारा करंट कितना हो जाएगा, I=V/R, तो V हमारा कितना है, 5, और R इस पूरे सर्किट में दोनों में सेम जाएगा, तो 4 + 6 यानी कि 10, यानी कि ये 10 वाला, तो 5/10 ये कितना हो गया, 0.5 एम्पियर आंसर, ओके। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, तो 6 ओम तो ये आर हो गया और 0.5 एम्पियर इसके थ्रू करंट फ्लो हो गया। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो बोलिए। सर ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है मीटर